भारती नगर पुलिस स्टेशन में एफआईआर किया गया है, उन दफात के साथ जिन दफात के साथ एफआईआर को हम लोग चाहते थे जी, उन दफात के साथ 152, 196, 197 और 299, 302, 351, 351-2, 352, ये दफात के तहत जो है यहाँ बाकायदा एफआईआर किया गया है बेंगलोर शहर में। 152 सेक्शन है, इसके अंदर मिनिमम पनिशमेंट जो है 7 साल की है और मैक्सिमम लाइफ इम्प्रिजनमेंट है। मैं तमाम अहबाब से गुजारिश करता हूँ कि इसी तरीके से कानून के दायरे में रहकर वो जो है काम करें। बेंगलोर शहर में जो है जमीयत उलमाए कर्नाटक की जानिब से जो है एफआईआर दर्ज किया गया है, जो नरसिंह आनंद समी है जिसने हुजूर पाक के खिलाफ जो वाहियात स्टेटमेंट दिया था उसके खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज हो चुका है। इस एफआईआर में जो है कई सारे कानून लगे हैं जिसमें 7 साल से लेकर उम्र कैद की सज़ा तक इसमें उन्होंने ऐड किया है। तो चलिए जमीयत उलमाए कर्नाटक की जानिब से जो है इस एफआईआर को दर्ज करवाने में उनको क्या क्या मुश्किलों का सामना करना पड़ा और कौन कौन लोग जो है उनको साथ दिए, तो चलिए जमीयत उलमाए कर्नाटक की जानिब से जो एफआईआर दर्ज किया गया है उसमें जो है उन जिम्मेदारों से सुनते हैं उन जिम्मेदारों का क्या कहना है इस मामले पर, क्योंकि जमीयत उलमाए कर्नाटक जो है कई दिनों से लगातार इसके पीछे जो है मेहनत पड़ रही थी और उलमाए किराम भी जो है लगातार कोशिश कर रहे थे। तो चलिए सुनते हैं इस बारे में, इस कंप्लेंट के बारे में क्या कहना है जमीयत उलमाए कर्नाटक की जानिब से जो है उनके जिम्मेदारों से सुनते हैं। इस वक्त जमीयत उलमा कर्नाटक के जिम्मेदारान अरकान आमिला और मुख्तलिफ शोबों के नौजमा पर मुश्तमिल ये वफद यहाँ बैठा है। कुल जमाती मशोरा हुआ था और कुल जमाती प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, तमाम तंजीमों के जिम्मेदारान, मसालिक के जिम्मेदारान, मुक्तदा पेशवा हजरात की मौजूदगी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। उसमें यह तय किया गया था कि हर जिले में हर जगह उसके खिलाफ एफआईआर की जाए और सीजेआई को मेल किया जाए। ये दोनों सिलसिले अल्हम्दुलिल्लाह पूरे सूबे में जारी व सारी हैं। बहुत बड़ी तादाद में एफआईआर सूबे के अंदर हुई है और सीजेआई को भी मेल, बहुत बड़ी मकदार तादाद में मेल गया है। यहाँ इस वक्त बेंगलोर शहर में जमीयत उलमा बेंगलोर की तरफ से हजरत मौलाना मोहम्मद जैनुल आबिदीन साहब रशादी मजारी दामद बरकातहुम, मोहतरम दारुलूम शाहवलीउल्लाह और नायब सदर जमीयत उलमा कर्नाटक और जमीयत उलमा बेंगलोर के सदर हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद हुसैन साहब मादिनी जीदा मजदूम और जिला बेंगलोर के सेक्रेटरी जनाब तफीमुल्ला मारूफ साहब, रुकन आमिला जनाब रिजवान बदर साहब, इन हजरात ने हमारे लायर साहब की मईयत में और उनकी सरपरस्ती में, क्या नाम है, शोएब मदार साहब की सरपरस्ती में भारती नगर पुलिस स्टेशन में एफआईआर किया गया है, उन दफात के साथ जिन दफात के साथ एफआईआर को हम लोग चाहते थे जी, उन दफात के साथ 152, 196, 197 और 299, 302, 351, 351-2, 352, ये दफात के तहत जो है यहाँ बाकायदा एफआईआर किया गया है बेंगलोर शहर में और जमीयत उलमा के की तरफ से मुख्तलिफ अजला में भी एफआईआर किया गया है और सीजेआई को मेल का भी सिलसिला जारी व सारी है। हम इस इंतजार में हैं कि यहाँ के कोर्ट और अदल व इंसाफ कायम करने के जो मकामात हैं जहाँ से इंसाफ की उम्मीदें रखी जाती हैं वो लोग और हुकूमतें क्या कार्रवाइयाँ इस पर करते हैं, इसके इंतजार में हैं, उम्मीद करते हैं
कि ऐसी कार्रवाई की जाए कि इसके बाद किसी भी मजहब के, किसी भी मजहबी शख्सियत के ताल्लुक से किसी को जबान खोलने से पहले 100 मरतबा सोचने की जरूरत पेश आए, ऐसी ठोस और मजबूत कार्रवाई की हम उम्मीद रखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमीयतुल उलमा बेंगलोर के तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भारती नगर पुलिस स्टेशन ACP से मुलाकात करने के लिए गए, तो उन्होंने FIR दाखिल करने के लिए गए, तो उन्होंने उसे लिया और माशाल्लाह बहुत खुश हुए और हमारे तरीक़ेकार को पसंद किया। तो मैं पुलिस डिपार्टमेंट वालों से, डिपार्टमेंट वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो हमारा साथ दिए, और इसी तरीके से वो पूरे कर्नाटक में इसी तरह काम करेंगे, इसी तरह साथ देंगे, तो इंशाल्लाह अमन के साथ काम रहेगा। मैं तमाम अहबाब से गुजारिश करता हूँ कि इसी तरीके से कानून के दायरे में रहकर जो है काम करें, सुकून के साथ रहें, अमन के साथ रहें, इंशाल्लाह जोश में आकर होश ना खो दें तो ये बहुत फायदा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह। और जमीयतुल उलमा कर्नाटक की तरफ से चिकमंगलोर और बेंगलोर में FIR हुई, दो जगह है, और कल चिकबालापुर में होगा, कल चिकबालापुर में, और मंडिया में भी कोशिश कर रहे हैं, मैसूर में दे रहे हैं इंशाल्लाह जमीयतुल उलमा की तरफ से, और दूसरी जगह भी हो रहा है इंशाल्लाह। रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। सितंबर 20/9/2024 में यति नरसिंहानंद ने जो बकवास की थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीस बी अपॉन हिम के खिलाफ, इसकी वजह से जो हमारे जमाते उलमा ए कर्नाटका ने तय किया है कि FIR करना है, इसलिए 9 तारीख अक्टूबर 2024 को हमने भारतीय नगर पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज की, और भारतीय न्याय संहिता 2020 के तहत सेक्शन 152, 156, 197, 259, 302, 351, 352 और 353 के तहत FIR दर्ज किया गया। खास तौर पे जो 152 सेक्शन है इसके अंदर मिनिमम पनिशमेंट जो है 7 साल की है और मैक्सिमम लाइफ इंप्रिजनमेंट है। हिंदुस्तान के अंदर बहुत से FIR हुए, उसके अंदर 3 साल या 1 साल सजा की FIR दर्ज हुई है। खास तौर पे जो भारतीय नगर में हमने FIR किया है उसके अंदर मिनिमम 7 साल और मैक्सिमम लाइफ इंप्रिजनमेंट का FIR हमने दर्ज किया है। मैं शुक्रगुजार हूँ ACP पुलकेशी नगर, DCP ईस्ट डिवीजन और जो भी इंस्पेक्टर जो IO है उनको, जो कोऑपरेशन किए और सपोर्ट किए हमें FIR दर्ज करने के अंदर। और मैं अपील करता हूँ तमाम मुसलमानों से, इसको जो भी करना है आप कानूनी दायरे में रहकर करें, ताकि जज्बात में आके, गुस्से में आके कुछ ऐसा ना करें जिससे खुद मुसलमानों का नुकसान हो।